खुद ही अपनी हुकूमत गिरा के मैंने इलेक्शन अनाउंस कर दिया। मुझे तब भी पता था कि एक ही तरीका है कि बजाय बाहर से कोई साजिश करके हमारी हुकूमत गिराए, हमारे लोगों को हमारे लोग फैसला करें कि किसने पाकिस्तान की क्या मदद करें, क्यों कोई बैरूनी साजिश के तहत कोई आके हमारे प्रकार से। लिहाजा मैंने तब भी खुद ही फैसला करके अपनी गवर्नमेंट गिरा दी थी और इलेक्शन अनाउंस कर दिया। आज भी मैं ये कह रहा हूं और मैं कहना चाहता हूं कि तब अगर इलेक्शन करवा दिए जाते तो आज पाकिस्तान को इस बुरान का सामना न करता। मैं आज ही कह रहा हूं कि एक ही रास्ता आगे हमारा, साफ और शफाफ इलेक्शन। जब मैं साफ और शफाफ इलेक्शन कहता हूं तो ये बड़ा जरूरी है समझ, वो इलेक्शन नहीं जो अभी पंजाब में कराया गया इस, या वो जो अभी लोकल कॉन्वोकेशन करवाया गया सिंध के, इस तरह के इलेक्शन से कोई फायदा नहीं होगा। इससे मजीद बुरान और बढ़ेगा, इससे मुल्क पे इंतजार बढ़ेगा। सिर्फ एक रास्ता, एक नई इलेक्शन कमीशन को स्थापित किया जाए, ऐसे इलेक्शन कमीशन के मेंबर्स बनाए जाए जो सबको इतमान। हमें जब कौन बचाएगा पाकिस्तान, और इम्पोर्टेड तुम्हारे लिए गिरती हुई दीवार को, मोदी के इशार को, चोरों के सरदार को, आई आई दो तिहाई, आई आई दो तिहाई, आई आई दो तिहाई, पाकिस्तान जिंदाबाद। आप सारे पाइंदाबाद।